स्टूडेंट, टुडे वी फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। यहां आपको एक प्लेन दिया हुआ होगा और एक पॉइंट दिया हुआ होगा और इस गिवन पॉइंट से आपको इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए वेक्टर आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू इज ए गिवन प्लेन एंड पी इज ए पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर इज ए। यहां आर डॉट एन एक इज इक्वल टू क्यू एक प्लेन है और P एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर A है और आपको इस पॉइंट से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक पॉइंट से जब हम एक प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेज कैसे फाइंड आउट की जाती है, वो सारा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम इसको जनरलाइज करके फॉर्मूला बनाएंगे कि एक पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। तो जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट P से जब प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो N जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो जब अगर P से मैंने इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो N फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो यहां पर जो PN है PN जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए PN के डायरेक्शन रेशियो वही रहेंगे जो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो रहेंगे। यानी कि ये जो PN का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो वेक्टर N हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं PN की इक्वेशन निकाल सकता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन PN। PN लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर R इज इक्वल टू ए जो है वो पासिंग पॉइंट हो गया और प्लस लैम्डा टाइम्स एन जो वेक्टर हो गया वो इसकी डायरेक्शन। ये आपके पास जो है पीएन की इक्वेशन आ गई। अब हम इस पीएन लाइन की और इस प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई पीएन लाइन का जनरल पॉइंट निकालेंगे। तो ये जो है पीएन लाइन का जनरल पॉइंट ही है। पीएन पॉइंट का क्या है, जनरल, क्योंकि जो वेक्टर आर होता है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। तो ये जो है जनरल पॉइंट मान लिया पीएन। अब अगर ये जनरल पॉइंट है तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं मान लेता हूं कि भाई ए प्लस लैम्डा एन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एन, सो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आर की जगह हम क्या रख देंगे, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स एन डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू क्यू। जब मैं इसको n को अंदर डॉट प्रोडक्ट करवाऊंगा तो ये हो जाएगा a डॉट n प्लस लैम्डा टाइम्स n डॉट n इज इक्वल टू q। तो यहां से जो है लैम्डा की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, a डॉट n प्लस लैम्डा n वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केल इज इक्वल टू q। यहां से लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, q माइनस ए डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n का स्केयर। और जब ये लैम्डा की वैल्यू मैं इस पॉइंट पर रख दूंगा, इस लाइन की इक्वेशन में रख दूंगा, तो मेरे पास n जो वेक्टर है वो आ जाएगा। यानी कि वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू q माइनस ए डॉट एन अपॉन एन का मैग्नीट्यूड का स्केयर और
इनटू में वेक्टर एन. इज इट क्लियर? अब यहां से मुझे पी एन फाइंड आउट करना है. तो जो पी एन वेक्टर है वो क्या होगा, पी एन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी. तो एन जो पॉइंट है वो आर है, तो पी एन क्या आ जाएगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए. तो पी एन का जो मैग्नीट्यूड है इट मींस आर माइनस ए का मैग्नीट्यूड. तो आर माइनस ए का मैग्नीट्यूड कैसे आ जाएगा, यहां से आर माइनस ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा क्यू माइनस ए डॉट एन इंटू एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन का स्केल. ये आ जाएगा आपके पास, यानी कि जो पी एन लेंथ है वो क्या आ जाएगी, क्यू माइनस ए डॉट एन का मैग्नीट्यूड इंटू एन का मैग्नीट्यूड अपॉन में एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केल. तो यहां से एन के मैग्नीट्यूड से एन का मैग्नीट्यूड कट गया. यहां से ये पी एन लेंथ है वो क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू माइनस ए डॉट एन अपॉन एन का मैग्नीट्यूड इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू दिस प्लेन. अब अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में देखो, तो कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए हम देख सकते हैं, मान लीजिए जो प्लेन की है, प्लेन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो. ये मान लीजिए प्लेन की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में. तो अगर मैं यहां से इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो ये बनता है आर डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल टू माइनस डी. तो यहां से एन जो वेक्टर है वो आपके पास आ गया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और जो क्यू की वैल्यू आई, क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस डी. क्यू की जो वैल्यू, इसके इसको हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं. जब मैं इसके साथ कंपेयर करता हूं तो एन वेक्टर आपका ये हो जाएगा और जो क्यू क्यू की जो वैल्यू है वो माइनस डी वैल्यू. और जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट मान लीजिए आपका एक्स वन वाई वन जेड वन है. तो यहां से अगर मैं ए पॉइंट जो है वो क्या है, एक्स वन वाई वन जेड वन है. तो यहां से अगर मैं पी एन देखूं तो पी एन आपका क्या आ जाएगा, ये वैल्यू थी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, क्यू मतलब माइनस डी, और माइनस में ए डॉट एन, ए का और एन का डॉट प्रोडक्ट. ए वेक्टर क्या है, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप. ए डॉट एन अगर हम करेंगे तो याद रहेगा, माइनस का ए एक्स वन माइनस का बी वाई वन माइनस का सी जेड वन अपॉन में एन का मैग्नीट्यूड, इट मीन्स स्केयर रूट में ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर. माइनस कॉमन ले ले, मॉडुलस वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन स्केयर रूट में ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर. तो इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू दिस प्लेन. तो इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला डेराइव हो जाता है जिससे हम एक पॉइंट से एक प्लेन की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट है, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वन टू थ्री फ्रॉम द प्लेन थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस सिक्स जेड प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो. अब मुझे इस पॉइंट से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो मैं यहां से अगर फॉर्मूले पे गौर से देखूं तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपोन में स्केयर रूट में ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर. तो अगर इसको मैं गौर से देखूं तो ये क्या है,
ये जो पॉइंट है, जो गिवन पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन, वो सीधा हमें प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देना है और नीचे डिवाइड में स्केयर रूट में एक्स के कोफिशियंट का स्केयर प्लस वाई के कोफिशियंट का स्केयर प्लस जेड के कोफिशियंट का स्केयर। तो सीधा याद रख सकते हैं आप कि ये जो पॉइंट होगा जिस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, वो पॉइंट आप सीधा प्लेन की इक्वेशन में रख देंगे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन में स्केयर रूट में एक्स के कोफिशियंट का स्केयर प्लस वाई के कोफिशियंट का स्केयर प्लस जेड के कोफिशियंट का स्केयर। तो यहां पर जो डिस्टेंस आएगी डी वो क्या आ जाएगी, पॉइंट हम इस प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो थ्री इंटू में वन माइनस टू इंटू में टू प्लस सिक्स इंटू में थ्री और प्लस 20 का मोड और नीचे स्केयर रूट में 3 का स्केयर 9 माइनस 2 का स्केयर 4 प्लस 6 का स्केयर 36। तो ये कितना बन जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 18 प्लस 20 का मोड और नीचे आ जाएगा आपके पास 40 प्लस 9 49। तो यहां पर इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 17 17 प्लस 20 कितना हो जाएगा 37 अपॉन 49 का स्क्वायर रूट 7 यूनिट। तो इस तरह से हम एक पॉइंट से एक प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर हम एक चीज और भी देख सकते हैं कि यदि आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं और आपको उन दो पॉइंटों की किसी प्लेन से रिस्पेक्टिव पोजीशन बतानी है कि भाई ये जो दो पॉइंट हैं इस प्लेन के एक ही साइड हैं या अपोजिट साइड हैं या वो दोनों पॉइंट प्लेन पर लाई कर रहे हैं वो बताना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं तो वो दोनों पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन में सीधा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर वो दोनों पॉइंट पुट करने पर सेम साइन अगर हमारे पास आते हैं तो इट मींस दोनों पॉइंट प्लेन के एक ही साइड है और अगर अपोजिट साइन आते हैं तो इट मींस दोनों पॉइंट प्लेन के अपोजिट साइड है और अगर वो दोनों पॉइंट पुट करने पर प्लेन की इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करते हैं तो वो पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे को यही पता करना हो कि एक पॉइंट तो 1 2 3 है और दूसरा पॉइंट मान लीजिए -2 1 2 है और आपको बताना है कि इन दोनों पॉइंटों की इस प्लेन से क्या पोजीशन है, तो आप क्या करेंगे पहले ये वाला पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 3 इंटू में 1 माइनस 2 इंटू में 2 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 20 कितना आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 4 प्लस 18 प्लस 20 आपके पास आ जाएगा 37 पॉजिटिव आया। आपको नहीं देखना कितना है, बस अब ये देखना कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। इन द सेम वे आप ये वाला पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन में पुट करते हैं तो 3 इंटू में माइनस 2 माइनस 2 इंटू में 1 और प्लस 6 इंटू में 1 और प्लस 20 तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 6 माइनस 2 प्लस 6 और प्लस 20 तो ये माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 18 ये भी पॉजिटिव आया। तो अब दोनों ही पॉइंट पुट करने पर जो है पॉजिटिव साइन आ रहा है इट मींस बोथ द पॉइंट लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन। जैसे ये प्लेन है और दोनों के दोनों पॉइंट जो है वो प्लेन के एक ही साइड है, ये पॉइंट भी यहां है ये पॉइंट भी यहां। अगर एक साइड एक पॉइंट पुट करने पर पॉजिटिव और दूसरा पॉइंट पुट करने पर नेगेटिव आता तो हम क्या कहते हैं कि ये दोनों पॉइंट प्लेन के अपोजिट साइड है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। ठीक है, अब हम दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखेंगे। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, अब हम दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए एक प्लेन है लेफ्ट, फर्स्ट प्लेन हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो और एक दूसरा प्लेन है जो इसी के पैरेलल है। अब अगर ये दो प्लेन अगर पैरेलल है तो दोनों के नॉर्मल्स भी पैरेलल होंगे, यानी कि दोनों के नॉर्मल्स का डायरेक्शन रेशियो सेम रहेगा। इट मींस जो यहां एक्स वाई जेड के कोफिशियंट है ए बी सी तो जो दूसरा पैरेलल प्लेन होगा उसके एक्स वाई जेड के कोफिशियंट भी ए बी सी होंगे या ए बी सी के कुछ मल्टीपल होंगे, स्केलर मल्टीपल होंगे। तो मैंने मान लिया कि पहला जो प्लेन है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस जी वन इज इक्वल टू जीरो है और दूसरा जो प्लेन है वो ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो। ये दो प्लेन जो है वो पैरेलल है। यहां पर देखिए कि एक्स वाई जेड के कोफिशियंट दोनों में सेम है या फिर एक दूसरे के मल्टीपल हो सकते हैं, ये इसी का कुछ ना कुछ मल्टीपल भी हो सकता है। अब आपको इन दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जैसे ये पहला प्लेन है, ये मान लीजिए दूसरा प्लेन है। तो अब आपको पता है कि ये दोनों प्लेन जब पैरेलल है तो इस प्लेन के किसी भी पॉइंट से अगर मैं इस प्लेन की दूसरे प्लेन की डिस्टेंस निकालूं तो वो सेम रहेगी। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से मैं प्लेन की डिस्टेंस निकालता हूं तो वो भी इतनी आएगी, इस प्लेन के इस पॉइंट से मैं डिस्टेंस निकालता हूं तो भी इतनी आएगी, इस प्लेन के इस पॉइंट से मैं कोई डिस्टेंस निकालता तो मतलब इस ये दोनों प्लेन पैरेलल है तो इस प्लेन के हर पॉइंट से दूसरे प्लेन की जो डिस्टेंस रहेगी वो सेम रहेगी। तो मैं मान लेता हूं कि इस प्लेन के ऊपर पहले प्लेन के ऊपर मान लीजिए कोई पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड, ये इस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट है और इस पॉइंट से मैं दूसरे प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेता हूं। तो इस पॉइंट से अगर मैं प्लेन की दूसरे प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करता हूं तो वो क्या होगी, जैसे ये प्लेन हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो और दूसरा प्लेन हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन वो पहले प्लेन पर है और इससे मैं दूसरे प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूं। तो क्या आएगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या बताया था फॉर्मूला कि भाई ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन में रख दीजिए, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इस प्लेन की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन में रख दीजिए ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन और प्लस डी टू का मोड अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्केयर यानी कि ए स्केयर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई का स्केयर बी स्केयर प्लस कोफिशियंट ऑफ जेड का स्केयर सी स्केयर। याद है अब क्योंकि ये वाला पॉइंट तो पहले प्लेन पर लाई कर रहा है और पहले प्लेन पर लाई कर रहा है तो पहले प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से मैं ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन की वैल्यू अगर मैं निकालू तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या जाएगी माइनस डी वन और ये माइनस का डी वन जो है वो मैं इसमें यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और ये जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी जगह मैं डी वन रखूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का डी वन माइनस डी वन प्लस डी टू अपॉन में ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर यानी कि ये जो है डिस्टेंस आ जाएगी दो पैरेलल प्लेन के बीच की डी टू माइनस डी वन का मोड अपॉन में एक्स के कोफिशियंट का स्केयर प्लस वाई के कोफिशियंट का स्केयर प्लस जेड के कोफिशियंट का स्केयर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, आप दोनों प्लेन के जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनका डिफरेंस करेंगे उसका मैग्नीट्यूड और नीचे स्केयर रूट में ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर का स्केयर रूट। जैसे मान लीजिए आपके पास दो प्लेन है, मान लीजिए पहला प्लेन है 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो और दूसरा प्लेन है मान लीजिए 4x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों प्लेन पैरेलल है, आप देख सकते हैं कि इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो आएंगे 2 माइनस 2 1 और दूसरे प्लेन के डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, दूसरे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो आएंगे 4 माइनस 4 2। ठीक है तो ये देखो दोनों मल्टीपल है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये सेम हो जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं जब भी डिस्टेंस निकालनी है तो दोनों के कोफिशिएंट सेम कर लेंगे, सीधा नहीं घटाएंगे, आप पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सेम बना लेंगे। तो आप यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y प्लस 2z और प्लस में 3 टू जा 6 इज इक्वल टू 0। अब ये दो प्लेन हो गए, इन दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डी टू माइनस डी वन 6 माइनस 5 अपॉन में स्केयर रूट में 4 का स्केयर 16 माइनस 4 का स्केयर 16 और 2 का स्केयर 4 तो ये आ जाएगा 1 और 16 16 32 और 4 36 36 का स्केयर 6 तो 1 बाई 6 यूनिट।
तो 1/6 यूनिट जो है इन दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, छोटे क्वेश्चंस बनेंगे एक एक नंबर के, दो दो नंबर के। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन और आपको कराता हूं कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन x माइनस टू वाई प्लस टू जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड विच इज एट ए डिस्टेंस, एट ए यूनिट डिस्टेंस, एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 से इस प्लेन की जो डिस्टेंस है वो 1 है। ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन निकालिए विच इज पैरेलल टू दिस प्लेन, जो इस प्लेन के पैरेलल है एंड विच इज एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द 1, 2, 3, और उस प्लेन की 1, 2, 3 से जो डिस्टेंस है वो यूनिट डिस्टेंस है। तो आपको पता है कि भी इस प्लेन के पैरेलल है तो इसके जो नॉर्मल होंगे वही रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल होंगे, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि यहां तक एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सेम मिलेंगे, तो यहां तक तो सेम होगा। तो आप इसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन अज्यूम कर लेंगे, लेट रिक्वायर्ड प्लेन इज एक्स माइनस टू वाई प्लस टू जेड और प्लस के इज इक्वल टू जीरो। आपने इसके पैरेलल ये प्लेन अज्यूम कर लिया, यहां तक ये सेम है तो इट मीन्स दोनों पैरेलल है। अब इस प्लेन की 1, 2, 3 से जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, तो 1, 2, 3 से इसकी डिस्टेंस निकालिए और 1 यूनिट के बराबर रख दीजिए। तो 1, 2, 3 से इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1, 2, 3 पॉइंट इस प्लेन में रख दीजिए, 1 माइनस में 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस के का मोड और अपोन में स्केयर रूट में एक्स का कोफिशियंट 1 का स्केयर 1 माइनस 2 का स्केयर 4 प्लस 2 का स्केयर 4। अब ये जो डिस्टेंस दी हुई है ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, तो ये 1 के बराबर रख देंगे। तो यहां से ये क्या जाएगा, 6 प्लस 1 7 माइनस 3 7 माइनस 4 3 3 प्लस के का मोड और 8 और 9 का स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1 तो दिस गिव्स 3 प्लस के का मोड इज इक्वल टू 3 एंड 3 प्लस के इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 एंड के इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 माइनस 3 के गिव्स 0 एंड माइनस 6। तो k की यहां से दो वैल्यू आई है, तो इट मीन दो ऐसे पैरेलल प्लेन होंगे, दो प्लेन होंगे जो इसके पैरेलल होंगे और उसके 1 2 3 से जो डिस्टेंस होगी वो 1 यूनिट होगी। तो पहला प्लेन तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 2z और 2z और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये दो प्लेन ऐसे आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। चलो और क्वेश्चन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन आर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप फ्रॉम अ प्लेन आर डॉट i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5 प्लस k कैप इज इक्वल टू 5। तो यहां पर आपको इस लाइन से इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आप हमेशा ये चीज याद रखेंगे कि जब भी आपको एक लाइन से एक प्लेन की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो सबसे पहले आप ये दिखाएंगे कि वो जो लाइन है वो प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, क्यों, जब लाइन प्लेन के पैरेलल है तो उस केस में लाइन के हर पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहती है। लेकिन अगर लाइन प्लेन के पैरेलल नहीं है, ऐसे मान लीजिए ये प्लेन है, ये लाइन ऐसे है, तो अगर आप इसको ऐसे आगे प्रोसीड करेंगे तो ये प्लेन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी और इंटरसेक्ट करेगी तो इस लाइन के हर पॉइंट से प्लेन की जो डिस्टेंस है वो अलग 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 रहेगी। तो फिर आप कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, कुछ कह नहीं सकते। जैसे मान लीजिए ये प्लेन है और एक लाइन है जो इसके पैरेलल नहीं है, ऐसे जा रही है, तो ऐसे जा रही है तो ये तो इसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, इस तरह से इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। तो इस लाइन के हर पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग रहेगी।
तो कौन सी फाइंड आउट करें, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है, जैसे ये प्लेन है और ये एक लाइन है जो इस प्लेन के पैरेलल है, जब लाइन प्लेन के पैरेलल है तो लाइन के हर पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस सेम रहेगी, तो ये इसकी रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। ठीक है, तो जब भी आपको किसी लाइन से प्लेन की डिस्टेंस निकालनी हो तो सबसे पहले आप उस लाइन को प्लेन के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर लाइन के आप किसी भी पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यानी कि जो लाइन का जो पासिंग पॉइंट दिया होगा इक्वेशन के अंदर, उस पॉइंट से हम प्लेन की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, वही आपकी रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगी। तो सबसे पहले तो मुझे ये क्या प्रूव करना है कि लाइन प्लेन के पैरेलल है, और कैसे प्रूव करेंगे, लाइन प्लेन के पैरेलल कब होगी, जब वो प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अगर लाइन प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है तो प्लेन के पैरेलल होगी। तो यहां से लाइन के डायरेक्शन वेक्टर क्या होंगे, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, ये वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन वेक्टर है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप। अच्छा, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन, नॉर्मल ऑफ द प्लेन, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, जो ये है, ये नॉर्मल का वेक्टर है, आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस के कैप। अब आप इनका डॉट प्रोडक्ट कीजिए, तो डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप, और डॉट में आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस के कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो आएगा वन माइनस फाइव प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो बी डॉट एन जीरो आ गया, तो इसका मतलब लाइन नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर तो लाइन प्लेन की क्या हो जाएगी, पैरेलल, लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, तो लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, तो अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लाइन का जो पासिंग पॉइंट है, लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है, ये टू माइनस टू और थ्री, और प्लेन की डिस्टेंस इक्वेशन क्या है, ये प्लेन की इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म में लिख दे तो क्या बन जाएगी, एक्स प्लस फाइव वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव या माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो आप इस पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस निकालें, कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन में रख देंगे, टू माइनस टेन प्लस थ्री माइनस फाइव का मोड, और नीचे स्केयर रूट में वन का स्केयर वन, फाइव का स्केयर ट्वेंटी फाइव, वन का स्केयर वन, तो ये हो जाएगा थ्री टू फाइव माइनस फाइव जीरो माइनस टेन का मोड टेन अपॉन में रूट ट्वेंटी सेवन, तो ये टेन अपॉन में थ्री रूट थ्री यूनिट। तो इस तरह से आप एक लाइन से प्लेन की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बशर्ते लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस थ्री पी फ्रॉम द ओरिजन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी, शो दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज एक्स रेज द पावर माइनस टू प्लस वाई रेज द पावर माइनस टू प्लस जेड रेज द पावर माइनस टू इज इक्वल टू पी रेज द पावर माइनस टू। यानी कि यहां जो है एक वेरिएबल प्लेन है, वेरिएबल प्लेन जो मतलब प्लेन वेरी कर रहा है कंटिन्यूसली, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, ठीक है, और जो है लेकिन क्या खास बात है, वो ओरिजिन से हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस 3p पे रहता है, जैसे कोई भी प्लेन है वो लगातार ऐसे 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 मूव कर रहा है, बट हर इंस्टेंट पर उसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो 3p है। अब ऐसा प्लेन x एक्सिस को मान लीजिए पॉइंट a पर, y एक्सिस को b पर और z एक्सिस को c पर काट रहा है, तब अगर ये जो है ए बी सी पर एक्सिस को काट रहा है तो ए बी सी जो पॉइंट है वो भी फिक्स नहीं है, क्योंकि प्लेन जो है वो लगातार मूव कर रहा है, तो एक्सिस के अलोंग जो इंटरसेप्ट रहेंगे वो भी लगातार चेंज होंगे। तो मैं मान लेता हूं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो प्लेन है वो इस पोजिशन पर है, इस पर्टिकुलर पोजिशन पर वो आपका प्लेन है, जहां ये एक्स एक्सिस को वो ए पॉइंट पर काट रहा है, वाई एक्सिस को मान लीजिए बी पॉइंट पर काट रहा है, और जेड एक्सिस को मान लीजिए सी पॉइंट पर काट रहा है।
तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इंटरसेप्ट है वो मैंने मान लिया ए, तो पॉइंट हो गए ए जीरो जीरो। वाई एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट मैंने बी मान लिया, तो ये पॉइंट हो गए जीरो बी जीरो। और जेड एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट मैंने सी मान लिया, तो ये पॉइंट हो गए जीरो जीरो सी। यहां हमने ए बी सी जो इंटरसेप्ट माने वो अपनी तरफ से माने, मैंने मान लिया कि लेट एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट आर ए बी सी। इन दैट केस प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा बताओ जरा, इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगी एक्स अपॉन में एक्स इंटरसेप्ट ए प्लस वाई अपॉन में वाई इंटरसेप्ट बी प्लस जेड अपॉन में जेड इंटरसेप्ट सी इज इक्वल टू वन या माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। यहां ए बी सी जो है वो फिक्स नहीं है, ये मूव कर रहे हैं क्योंकि प्लेन लगातार मूव कर रहा है, तो ए जो है एक्सिस के अलोंग जो इंटरसेक्ट वो भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ए बी सी जो है वो मूव नहीं कर रहा है, तो मैंने मान लिया कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एक्स इंटरसेक्ट ए, वाई इंटरसेक्ट बी और जेड इंटरसेक्ट सी, ठीक है। तो अब ये किसी भी तरह से मूव करे, इस प्लेन की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो हमेशा 3p है, तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है 3p। तो ओरिजिन से मैं इसकी डिस्टेंस निकालता हूं और 3p के बराबर रख लेता हूं, तो 0 0 से पास कर रही है, तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1 का मोड, नीचे x के कोफिशियंट का स्केयर यानी 1 बाई ए स्केयर, y के कोफिशियंट का स्केयर यानी 1 बाई बी स्केयर, z के कोफिशियंट का स्केयर यानी 1 बाई सी स्केयर, और विच इज इक्वल टू 3p, ठीक है। तो माइनस 1 का मोड तो 1 ही हो जाएगा, तो माइनस 1 का मोड तो 1, ये 3p तो नीचे आ जाएगा इस तरह से ले लेते हैं, और इस साइड आ जाएगी टर्म, ये वाली टर्म इस साइड आ जाएगी, 1 अपॉन ए स्केयर प्लस 1 अपॉन बी स्केयर प्लस 1 अपॉन सी स्केयर। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन ए स्केयर प्लस 1 अपॉन बी स्केयर प्लस 1 अपॉन सी स्केयर इज इक्वल टू 1 बाई 9 पी स्केयर, याद है। लेकिन ये तो ए बी सी में इक्वेशन आई जो कि इसके इंटरसेप्ट्स हैं, हमारे को जो है लोकस ऑफ पॉइंट किसका फाइंड आउट करना है, सेंट्रोइड का। तो ये मान लीजिए सेंट्रोइड में हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी, तो ये मैंने मान लिया कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा जो है वो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट है, तो आपको सेंट्रोइड में इक्वेशन निकालनी है, सेंट्रोइड का लोकस ऑफ पॉइंट निकालना है। तो अगर ये सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए प्लस जीरो प्लस जीरो बाई थ्री, y कोऑर्डिनेट 0 प्लस बी प्लस 0 बाई थ्री, और z कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस सी बाई थ्री। ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होंगे जो कि किसके बराबर अज्यूम कर लिया मैंने, अल्फा बीटा गामा, यानी कि a बाई थ्री बी बाई थ्री सी बाई थ्री जो है वो किसके बराबर आ गया, अल्फा बीटा गामा के बराबर। तो यहां से मैं ए बी सी की वैल्यू अल्फा बीटा गामा में निकाल दूंगा, तो ए की वैल्यू तो आ जाएगी 3 अल्फा, बी की वैल्यू आ जाएगी 3 बीटा, और सी की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 गामा, और ए बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो इक्वेशन बन जाएगी क्या, 1 अपॉन में 3 अल्फा का स्केयर 9 अल्फा स्केयर, 1 अपॉन में 3 बीटा का स्केयर यानी 9 बीटा स्केयर, और 1 अपॉन में 3 गामा का स्केयर 9 गामा स्केयर इज इक्वल टू 1 बाई 9 पी स्केयर, ठीक है। तो 9 जो है कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन में अल्फा स्केयर प्लस 1 अपॉन में बीटा स्केयर प्लस 1 अपॉन में गामा स्केयर इज इक्वल टू 1 बाई पी स्केयर। अच्छा, अल्फा बीटा गामा क्या था, सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड की इक्वेशन हो गई, तो सेंट्रोइड में ये इक्वेशन आ गई। अब चाहे आप अल्फा बीटा गामा को आप एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इक्वेशन हो जाएगी 1 अपॉन में एक्स स्केयर प्लस 1 अपॉन में वाई स्केयर प्लस 1 अपॉन जेड स्केयर इज इक्वल टू 1 बाई पी स्केयर। ये एक्स वाई जेड अब यहां पर क्या है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट है, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट में आपकी इक्वेशन आ गई, यानी कि सेंट्रोइड का लोकस ऑफ पॉइंट आ गया एक्स रेज दी पावर माइनस टू वाई रेज दी पावर माइनस टू प्लस जेड रेज दी पावर माइनस टू इज इक्वल टू पी रेज दी पावर माइनस टू, विच इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।